बोत्सवाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में वो गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर देवेंद्र अत्री को गांव वालों ने लड्डू से तोला और देवेंद्र अत्री ने कहा कि जनता का प्यार देखकर पूरा विश्वास हो गया है कि चुनाव में जीत हासिल होगी। देवेंद्र अत्री ने उस मौके पर किसानों से वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वो किसानों के पानी की परेशानी को दूर कर देंगे। और देवेंद्र अत्री ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उचाना में बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री बीजेपी उम्मीदवार उचाना से लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव वाले। आपने देखा काफी प्यार आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्साह बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माताओं बहनों का, बुजुर्गों का और युवा साथियों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उससे मैं उत्साहित हूँ, बल्कि पूरा उचाना उत्साहित है कि एक आम बच्चे को यहाँ से मौका मिला है। हमारी भी जो बात हो रही है देवेंद्र आम जनता से, उनका ये कहना है कि खास तौर से आपके पिताजी का जो व्यवहार रहा है और जो उनका काम रहा है उसका काफी प्रभाव है जनता के ऊपर। बिल्कुल, मेरे पिताजी ने 40 साल तक देखिए यहाँ सेवाएं की हैं, वो सामाजिक रूप से भी की हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का उनके साथ समय बिताओ, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, पहले भी था और आज भी और आगे मिलता रहेगा इनका आशीर्वाद। आज आप इस गांव में पहुंचे हैं, यहाँ की मुख्य क्या समस्या है और क्या कुछ वादा है जो आप आज यहाँ की जनता से करके यहाँ से जाएंगे? देखिए आपको पता है कि यहाँ कैसी राजनीति हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर धरातल पे काम करने की जरूरत है। लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। हम लोग, हमारा अब की बार यही मोटो रहेगा कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएं। जैसे यहाँ नहरी पानी की समस्या, मोटे तौर सबसे बड़ी समस्या यहाँ नहरी पानी की समस्या है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे हर खेत को पानी पहुँचा पाए। नहरी पानी का जिक्र किया, हमारी कुछ बात किसानों से भी हुई, वो सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रभावित है यहाँ पर कि उनकी खेती बाड़ी को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि पानी एक तो है नहीं और अगर है तो वो काफी ज्यादा खराब है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी आपका। ये जैसे पहले जो लोग जन प्रतिनिधि यहाँ से बने हैं वो सही प्लेटफॉर्म तक बातें नहीं पहुँचा पाए। हमारा सिर्फ यही रहेगा कि हम लोग सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम लोग नहरी पानी की जो कमी है यहाँ पे पूरी कर पाए और हर खेत तक पानी पहुँचे। एक आरोप जो कांग्रेस के द्वारा लगाया गया, उनका ये कहना है कि यहाँ की जनता का लगातार उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है और अब जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो एकदम नए कैंडिडेट हैं, उन्हें जनता जानती नहीं है, इस आरोप को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए हर व्यक्ति जानता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं जन सैलाब है और मुझे लगता है कि लोग मुझ पर विश्वास दिखाएंगे, आशीर्वाद देंगे और हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। एक और समस्या जो यहाँ पर जो लोगों से हमने बात की, यहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम उचाना की बात करेंगे या अलग अलग हल्के के जो गांव हैं उनकी बात करेंगे तो सड़कें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, टूटी हुई हैं। जी वो मैं वही बात कह रहा था आपको कि जहाँ तक जो प्रतिनिधि यहाँ से बने हैं उन्होंने कोठियों की, महलों की राजनीति की है। मुझे लगता है कि यहाँ पे धरातल में जो आदमी, जो इन लोगों के बीच में रहे, जो आम आदमी की समस्याएं सुन सके, जो आम आदमी से बात कर सके, जो आम आदमी के बीच में रह सके, ऐसे आदमी की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे लोग मेरे पिताजी के व्यवहार को और हमारे व्यवहार को देखते हुए लोग पसंद करेंगे। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा फैसला एक आम आदमी को, एक आम बच्चे को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी मैं हमेशा शुक्रगुजार हूं और मुझे लगता है कि मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को इतना बड़ा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। आखिरी सवाल ये, आप युवा हैं तो युवाओं का किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है और बेरोजगारी क्योंकि एक मुद्दा काफी ज्वलंत है तो वो उनसे आपकी जब बातचीत हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, अपनी बात क्या रख रहे हैं आपके सामने? ये देखिए हमारा उचाना में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि यहाँ कभी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। इंडस्ट्री सबसे, हमें लगता है कि हमें बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव सोच रखे और इंडस्ट्री लेके आए हम यहाँ पे। जैसे कॉलेज की कह दिक्कत हमें, उचाना में कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए हमें, वो बीएड कॉलेज भी है वो, तो इस टाइप से चीज़ें हैं। जो जैसे बहुत सारे गांव में लाइब्रेरी है, बहुत सारे में नहीं है, तो वहाँ लाइब्रेरी, जैसे बच्चे आगे पढ़ेंगे, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी बिना पर्ची बिना खर्ची के साथ इतिहास बनाया है, तो मुझे लगता है कि इन विषयों पे आगे बढ़ना जरूरी है। चलिए उनसे बात करने, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जो कि लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी उचाना।